एनसीपी प्रमुख शरद पवार की बेटी और सांसद सुप्रिया सुले ने बड़ा बयान दिया है। सुले ने कहा है कि आगामी 15 दिनों में 2 बड़े राजनीतिक विस्फोट होंगे। उन्होंने कहा कि एक विस्फोट दिल्ली और दूसरा महाराष्ट्र में होगा। हालांकि यह विस्फोट कैसा होगा इस बारे में उन्होंने ज्यादा बात नहीं की है। फिलहाल उनके बयान के बाद एक बार फिर से राज्य का सियासी पारा चढ़ गया है। हर कोई इस बयान के मायने निकालने में लगा हुआ। वैसे जिन दो विस्फोट की बात सुले ने कही है उसमें एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो सकता है जिसका बेसब्री से महाराष्ट्र की जनता और सियासतदान इंतजार कर रहे हैं, जबकि दूसरा विस्फोट यह हो सकता है कि महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन या फिर एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। सुप्रिया सुले का बयान इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि अजीत पवार के बीजेपी में जाने की अटकलें चल रही हैं। दरअसल वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता प्रकाश आंबेडकर ने यह कहा था कि महाराष्ट्र में 2 बड़े सियासी विस्फोट होंगे। यही सवाल सुप्रिया सुले से पूछा गया जिसके जवाब में सुप्रिया सुले ने कहा कि एक महाराष्ट्र और एक दिल्ली में राजनीतिक विस्फोट होगा। ऐसा प्रकाश आंबेडकर ने कहा है कि जहां तक मेरी बात है तो मैं आज के बारे में बता सकती हूं, लेकिन 15 दिन आगे की बात नहीं। अजीत पवार पर जवाब देने से बची। पत्रकारों ने जब अजीत पवार के बारे में सुले से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि फिलहाल गॉसिप के लिए वक्त नहीं है। सुले यहीं नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कई जन समस्याएं हैं, उन पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। अजीत पवार का एक कार्यक्रम रद्द हो जाने से कुछ नहीं होगा, राज्य में गलत ढंग से काम शुरू है। अजीत पवार के बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह बात आप उन्हीं से पूछिए, मेरे पास गॉसिप के लिए वक्त नहीं है।